नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विनय, मैं हिम्स हॉस्पिटल डेराबसी चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ एक पेशेंट है, कुलदीप कौर जी। कुलदीप कौर जी, आप कहाँ से हैं? मैं होशियारपुर टांडा। होशियारपुर टांडा के रहने वाले हैं। कुलदीप कौर जी यहाँ पर अपनी शुगर की समस्या लेकर आए थे। 14 साल से इनको शुगर की बीमारी है और ये इंसुलिन लेते थे, सुबह 26 यूनिट, शाम को 18 यूनिट्स, और एक अंग्रेजी गोली भी लेनी हाँ पड़ती थी। जी, ऐसा ही है? हाँ जी, ठीक है, तो आज हम जानेंगे कुलदीप कौर जी के शब्दों में कि उनको यहाँ पर आके कैसा लगा और क्या उनको इंसुलिन लेनी पड़ रही है या नहीं लेनी पड़ रही है, और उनके शारीरिक जो सुधार हैं वो इनके ही शब्दों में आज हम इनसे जानेंगे। कुलदीप जी, मैं जदों दी इत्थे आई इस तो बाद एक बार भी इंसुलिन नहीं ली। मैं बिल्कुल ठीक हाँ, हुण मेरी नॉर्मल शुगर आ रही आ, होर भी जिहड़ियां मैनूं प्रॉब्लम ही वो भी सारियां ठीक हो गईयां। कुलदीप जी मुझे एक बात बताइए, जो आप पहले जब आप यहाँ पर आए थे कि आपके शरीर में जॉइंट्स में जो दर्द हो रहे थे और जो स्वेलिंग थी और जो सुबह उठ के हाथों में जकड़ाहट हो जाती थी, अभी उनकी स्थिति कैसे है? ठीक हाँ स्वस्थ फील कर रहे हाँ हैं अभी जी, आप? बिल्कुल तंदुरुस्त। आज तो 5 साल पहले जिद्दां दी मैं होंगी उदां दा मैनूं लगदा। चलिए, बहुत अच्छा। तो कुलदीप जी मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ऐसा क्या किया या क्या आपको खान पान दिया, आपकी क्या एक्टिविटीज रही या कौन सी आपको थेरेपीज दी गई जिनसे आपकी जो आप इतनी इतनी यूनिट्स लेते थे शुगर, वो आपको एक बार भी नहीं लेनी पड़ रही अब? इत्थे सवेर नूं पहले तो योगा कराउंदे, उन्ना बहुत वधिया लगदा सी। फिर पंचकर्मा ते जांदे सी, वो भी बहुत सी वधिया लग्गिया। मसाज वगैरह ठीक करते सी ते उहदे नाल ही बहुत फर्क पिया। वो तो मैं कोई दवाई नहीं ली उदन दी, बिल्कुल ठीक हाँ। ठीक है, तो क्या सारा कुछ प्राकृतिक चीज़ों से आपकी शुगर ठीक की गई? हाँ जी, प्राकृतिक चीज़ों तो ही की गई। अच्छा, एक जो आप कहते थे कि आपको पहले बुखार भी आ जाता था बार बार, अब वो हाँ, कैसे है? नहीं आया, बहुत आंदा सी बुखार, 15-15 दिन हटदा नहीं। मैनू एडमिट कराउणा पैंदा ही हॉस्पिटल, DMC लैके जांदे सी। ठीक है, हाँ जी, और जो आप कहते थे पेशाब में आपको बहुत बार बार पेशाब जाना पड़ता था और पेशाब में झाग बनता था, उसकी स्थिति कैसे है अभी? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कुलदीप जी मुझे एक बात बताइए, आपके जैसे और भी कई लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, है ना, हाँ तो जी, आप उनके लिए क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? उन्होंने यही कहना चाहुंदी हाँ कि वो हिम्स हॉस्पिटल आउन चंडीगढ़, अपना इलाज अपना ट्रीटमेंट इत्थों करा के जान, बिल्कुल स्वस्थ होके जाओगे तुसी। ठीक है, तो देखिए आज हमने कुलदीप जी के शब्दों में जाना कि जिनको 14 साल से शुगर की बीमारी थी और ये इंसुलिन पे थे, लगभग 26 यूनिट सुबह, शाम को 18 यूनिट्स, फिर अंग्रेजी गोली ऊपर से, जिसके बावजूद भी इनकी शुगर लगभग, आपकी हाईएस्ट शुगर कितनी जाती रही मैम? 550 तो ऊपर ही रहती थी, 550 के चार ऊपर इनकी सौ शुगर साढ़े रहती पाँच सौ थी। के बीच ही सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी शुगर लगभग कितनी रह रही है? 160, 150। देखिए, ये प्रकृति से जुड़ने के फायदे हैं, पंचकर्म से जुड़ने के फायदे हैं, आयुर्वेद से जुड़ने के फायदे हैं, जो कि हमने कुलदीप जी के शब्दों में जाना। और कुलदीप जी, आप आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे यहाँ जो इस बीमारी से लोग ग्रसित हैं, कि उनको क्या करना चाहिए जो इन ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं? उनको जहाँ आना चाहिए अपना प्रकृति का इलाज करवाना चाहिए ते ठीक होके जाना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने इन्हीं के शब्दों में जाना कि किस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद के माध्यम से और नेचुरोपैथी के माध्यम से हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी चंडीगढ़ में इनका इलाज हुआ और इन्होंने अपनी शुगर की बीमारी से निजात पाया। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो जिन भी बीमारियों से ग्रसित हैं, वो एक बार हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी चंडीगढ़ जरूर विजिट करें। धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।